हेलो एवरीवन, दिस इज शिप्रा एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन से लॉ बनाए गए हैं विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड केस स्टडी क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो विसल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विसल ब्लोइंग आखिर में होता क्या है। विसल ब्लोइंग एक सिचुएशन है, एक फिनोमेना है जिसमें एक मेंबर जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है या फिर फॉर्मर एम्प्लॉई है, मतलब उसने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, और ऐसे में वो ये बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इलीगल या इमोरल कंडक्ट हो रहा है, और वो जो बताएगा वो एविडेंस के बेस पे बताएगा। इस सिचुएशन को हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि कोई एक मेंबर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, वो ये बताता है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, मैंने कोशिश की है कि मैं वहाँ पर उसको सुधारूँ, बट ये कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं चल रहा है, और इसके बारे में ये एविडेंस है मेरे पास। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको विसल ब्लोइंग कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, वो जो मेंबर है वो चाहे उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुका हो, दोनों ही कंडीशन में उसे विसल ब्लोवर कहा जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि विसल ब्लोइंग जो होती है ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन जो हो वो एक एम्प्लॉई हो उस ऑर्गेनाइजेशन का या पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रह चुका हो, ना कि किसी कोई विटनेस हो क्राइम का या फिर रिपोर्टर हो। अगर ऐसे मान लीजिए कि कोई रिपोर्टर बोलता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसकी बात को विसल ब्लोइंग नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक न्यूज़ बता रहा है, या फिर कोई विटनेस है, किसी ने क्राइम देख लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए, तो अगेन वहाँ पे विसल ब्लोइंग नहीं कहेंगे। विसल ब्लोइंग का मतलब कि एक सिचुएशन चल रही है और आपने वहाँ पे विसल ब्लो किया, वहाँ पे आपने एक आवाज़ उठाई है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर कि ये गलत हो रहा है, ये इमोरल हो रहा है यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन को हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विसल ब्लोइंग के क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। पहला पॉइंट देखिए, ओके, देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि कैन बी डन ओनली बाय अ मेंबर और फॉर्मर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद बताया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो विसल ब्लोअर ने बताई है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे होनी चाहिए जो ऑलरेडी नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक हो, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मिसकंडक्ट होना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि किसी अच्छी चीज़ को आपने बताया तो आप विसल ब्लोअर हो गए, कोई मिसकंडक्ट आपने बता रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप विसल ब्लोअर बोले जाएंगे। और उसके साथ साथ आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा हो भी रहा है, आपने ऐसी कोई अफवाह फैला दी, आपने कोई र्यूमर फैला दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जो नेक्सस का फीचर है वो ये बोला है कि मस्ट बी आउटसाइड नॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि ऐसा नहीं है कि आप सेम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए ये आपका लीडर हो गया या ये टीम मेंबर हो गया और ये मेंबर ऑफ द टीम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टीम लीडर हुआ और यहाँ पे मेंबर है, तो टीम लीडर मेंबर जाएगा टीम लीडर के पास, ये नॉर्मल होता है कम्युनिकेशन का चैनल। यहाँ पर क्या है, जो मान लीजिए मेंबर है उसको लग रहा है कि कोई ऐसी यहाँ पे कोई सही चीज़ नहीं हो रही है या कुछ ऐसा अनएथिकल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ये जो नहीं है कि वो इस लाइन को फॉलो करे, वो डायरेक्टली CEO से भी मिल सकता है, ठीक है, या डायरेक्टली जाके किसी HR से मिल सकता है, तो वहाँ पर जो नहीं है कि नॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाए। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी समथिंग दैट इज डन वॉलेंट्रली एज अपोज टू बीइंग लीगली रिक्वायर्ड, ये वॉलेंट्रली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फोर्सफुली आप कर रहे हो, आप अपने आप से सामने आ रहे हैं, आप अपने आप से किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं, मिसकंडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, ये एक मॉरल प्रोटेस्ट होता है एक तरीके का, कि मतलब आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको एक मॉरल प्रोटेस्ट भी बोलते हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए, कुछ गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए लोग पर्सनली विसल ब्लोअर बनते हैं, इसलिए वो आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि एक केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ दुबई में एक होटल था, काफ़ी जाना माना होटल था, तो वहाँ पर क्या था कि जो शेफ़ था वहाँ का
वो क्या करता था कि वेज जो वेजिटेरियन खाना होता था उसमें नॉन वेज की ग्रेवी डाल देता था, ठीक है। तो एक कोई उसके टीम में, और वो मतलब बोलता था कि ठीक है इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉन वेज जो है उसकी ग्रेवी वेज वालों में डाल दो। फिर तो उसका एक कोई मतलब जो भी उसके टीम में था, ठीक है, उस शेफ़ के टीम में जो था, जो खाना वाना बाकी लोग होते जो खाने बनाते हैं, तो उन्होंने उनमें से कोई एक बंदा था, उसने ये आवाज़ उठाई थी, उसने विसल ब्लो की थी और उसने बताया था मीडिया को आकर और इस तरीके से कि ऐसी ऐसी बात है, वो शेफ़ है और वो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। उसके उसको जॉब से फायर कर दिया कि इसको चला, तो ऐसा होता है, ठीक है, इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, किस तरीके की टाइप ऑफ विसल ब्लोइंग होती है। इंटरनल विसल ब्लोइंग, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है, ये बात होती है, विसल ब्लोइंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, उसको हम इंटरनल विसल ब्लोइंग बोलते हैं। और अगर कोई पर्सन अपनी जो जो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो उसको जो लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसको बाहर जाके बताता है, उसको एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग बोलते हैं। कंडीशन फॉर जस्टिफाइड विसल ब्लोइंग, क्या ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कह सकते हैं कि जस्टिफाइड विसल ब्लोइंग की सिचुएशन है। सबसे पहली बात है कि मॉरल इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया वेज नॉन वेज, तो ये ऑफकोर्स मॉरल ग्राउंड की बात है कि जो लोग वेज खा रहे हैं, ऑफकोर्स वो नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, उनकी प्रेफरेंस नहीं है, तभी वो वेज खा रहे हैं। और अगर आप नॉन वेज का पार्ट इसमें डाल रहे हो, इसकी ग्रेवी चाहे आप डाल रहे हो, तभी आप उनको, ये मॉरली सही नहीं है, ठीक है। फिर है, अगर हम बात करें सिचुएशन व्हेन ऑल फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अंडरस्टूड विद देयर सिग्निफिकेंस, यहाँ पर क्या होता है कि सारी फैक्ट्स जो होती हैं वो प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। जिस हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें पता हों, ऐसे नहीं कि हमें आधी बात पता हो हम जाके विसल ब्लोइंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में सारी जानकारी जानिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप विसल ब्लोइंग करें, तभी आपकी विसल ब्लोइंग जस्टिफाइड होगी। आधी इन्फॉर्मेशन पर आप विसल ब्लोइंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एविडेंस का बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना किसी एविडेंस के आप विसल ब्लोइंग करेंगे तो आपकी बात को कोई मानेगा नहीं, वो उसका कोई प्रूफ होना बहुत, क्योंकि ये जब आप विसल ब्लोइंग करते हैं तो आप निगेटिव एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसको बैक करने के लिए, आपके जो विसल ब्लोइंग है उसको बैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पर विसल ब्लोइंग करें। एम्प्लॉय शुड नॉट बी जम्प इन टू कंक्लूजन विदाउट मच क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन जेन्यून होनी चाहिए और जस्टिफाइड करने की आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप जस्टिफाइड कर पाए उस चीज़ को, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हो, फेयर बोल रहे हो, जस्ट बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंटरनल चैनल हैव टू बी यूटिलाइज विदाउट स्टेप शॉर्ट ऑफ विसल ब्लोइंग। सबसे पहली बात तो ये बोला गया है कि विसल ब्लोइंग जो है कि विसल ब्लोइंग लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। लास्ट रिसॉर्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होना चाहिए कि उससे पहले आप जिस इंसान से रिलेटेड है वो, या जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है, उससे बात करें जाकर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो सिचुएशन अभी भी वैसे की वैसे ही है, तो आपको विसल ब्लो करना चाहिए, मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पहले ये इंटरनली ये चीज़ सॉल्व हो पाए, ठीक है, या आगे आपको बहुत ज़्यादा फर्दर स्टेप ना लेना पड़े। इट इज़ जस्टिफाइड व्हेन देयर इज़ नो मॉरली प्रिफर्ड ऑल्टरनेटिव। और यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, मतलब जो सिचुएशन है वो मॉरली पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब कि वेज का नॉन वेज, वो नॉन वेज वेज में डाल रहा था, तो इज़ इट पॉसिबल कि बिना, ऐसे तो है नहीं कि कोई बिना खाए मर रहा था वहाँ पे, ठीक है, लोग अपने प्रेफरेंस से जा रहे थे खाने, उनको पता है यहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है, तभी जा रहे हैं खाने, तभी वेज खाने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि कहीं कोई जंगल में होता, कुछ लोग होते जो क्या कहते हैं भूखों मर रहे होते, उनको खाने की ज़रूरत होती, और वहाँ पे उसने नॉनवेज को वेज में डाल दिया होता, तो ठीक है, दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो लोग मर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई तभी भी ना प्रेफर करे खाना, कहे कि ठीक है मुझे मरना ठीक है बट मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वहाँ पे चलिए ठीक है, आप एक बार उसको वहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बट मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, उसके बाद भी आपने, आप ये काम कर रहे हो, आप तभी भी स्टिल वो अनजस्ट जो है वो आप कर रहे हो, तो आपका विसल ब्लोइंग बनता है, ठीक है। और ऐसे में विसल ब्लोअर को ये देखना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है, मतलब वो जो कर रहा है वो इसलिए तो नहीं कर रहा है कि कोई और ऑल्टरनेटिव उसके पास है ही नहीं, तो उसको करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से बेस्ट वे टू ब्लो द विसल,
किस तरीके से सबसे अच्छा तरीका होता है कि विसल को कैसे ब्लो करना चाहिए, कैसे आपको विसल ब्लोइंग करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज को, एक्सचेंज कमीशंस को, ये इन सब के पास जा सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या फिर FBI अटॉर्नी लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, FBI US के केस में बोला गया है, पुलिस हो गई, लोकल इन्वेस्टिगेशन बॉडीज हो गई, कोई लॉ का पर्सन हो गया, अटॉर्नी हो गया, कोई लॉयर हो गया, उनके पास आप जा सकते हैं. ये सारे तरीके होते हैं विसल ब्लो करने के लिए. ये नहीं डायरेक्ट आप न्यूज़ चैनल पर चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, ठीक है, आप इनसे बात करेंगे, लोकल इन्वेस्टिगेशन बॉडीज पर बात करेंगे, अटॉर्नी पर बात करेंगे, तो शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर रहे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, दैट इज़ 2011. ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें ये बोला गया, मतलब उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि जो करप्शन या मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्वेंट ऐसे हैं, उनके अगेंस्ट भी विसल ब्लोइंग की जाएगी, हो सकती है. और कोई भी जो भी ऐसा करेगा, जो भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा कोई कर रहा है और उसके अगेंस्ट कोई विसल ब्लो करता है, तो उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी. ठीक है, चाहे वो जो भी रॉन्ग डूइंग हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज में हो रही है, चाहे प्रोजेक्ट्स में हो रही है या ऑफिसेज में हो रही है. जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि एक ऑफिसर है, वो वहाँ पे क्या करता है, ब्राइब देता है. ठीक है, आपको पता चला, आपने कोशिश किया कि ऐसा ना हो, ठीक है, उसके सीनियर से बात किया, ये वो सब कुछ करने की कोशिश करी, लोगों ने, नहीं भाई ये तो चलता है, आपको तो ब्राइब देनी ही पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे में क्या है, आप विसल ब्लोअर बन सकते हैं, और आपको जो भी प्रोटेक्शन होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इस एक्ट के अगेंस्ट. ठीक है, क्योंकि ये एक्ट ऐसा बनाया गया है कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, प्रोजेक्ट में या ऑफिसेज में कोई भी गलत काम होते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि ये गलत काम है, और आप इसके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, विसल ब्लो करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब क्या आर्ग्यूमेंट है जो बोला जाता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, मतलब लोग ये भी बोलते हैं कि लॉ नहीं बनाना चाहिए था या लॉ सही तरीके से नहीं बनाया, तो क्या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत? तो ये बोला गया है कि ये जो लॉ है, ये विसल ब्लोअर को एज अ राइट इज ओपन टू अब्यूज. मतलब इन्होंने ये बोला कि अब आपने लॉ बना दिया कि कोई भी आए वो विसल ब्लो करे, तो ऐसे में हो सकता है किसी सीधे साधे इंसान को फंसा दिया जाए. जैसे अक्सर सुनने को आता है, कभी कभार ऐसे एक दो केसेस आ जाते हैं जिसमें ये सुनने को मिलता है कि भाई एक बहुत ही ईमानदार पर्सन था, कई सारी मूवी में भी आपने देखा होगा, उसको दिखा दिया कि ये ब्राइब लेता है, ये पैसे खाता है, ऐसे ऐसे है, और फिर एक इन्वेस्टिगेशन किया, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, एविडेंस आ गया और उसको दिखा दिया कि वो करप्ट आदमी है. ठीक है, तो ये क्या है, ये मिसयूज ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है. ठीक है, विसल ब्लोअर जिसने किया ऐसा, उसने अपने इस लॉ का फायदा उठा के ऐसा किया, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या कोई दुश्मनी निकालने के लिए. ठीक है, दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर कुड एक्ट इन राइट्स टू एम्प्लॉयज टू मेक एन एनवायरमेंट डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स टू रन कंपनी इफेक्टिवली. जैसे अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि विसल ब्लोअर ब्लोअर जो हैं लोग, ऐसे में को पता चला कि हर दूसरा आदमी विसल ब्लोअर, भाई आप हमें ग्रेचुटी टाइम पे नहीं दे रहे, आप हमें सही से आपने ग्रेचुटी हमें प्रोसेस नहीं किया, आप हमारी सैलरी में इतना काट ले रहे हैं पैसा, या जो भी है. ठीक है, बहुत सारे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, या आप हमें छुट्टी नहीं दे रहे, या हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है. ऐसे में हर अगर दूसरा बंदा विसल ब्लोअर बनेगा तो कंपनी को रन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेजर्स के लिए. ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये चीज़ बोला है कि जो मैनेजर्स हैं, जो कॉर्पोरेट वाले हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत तो ये ऊपर नीचे चलती रहती है, थोड़ी बहुत जो मिसडीड है या रॉन्ग डूइंग है ये सब चलती रहती है, तो उनके लिए टफ हो जाता है. ये बोला गया है कि उनको काम करना मुश्किल हो जाता है, अपनी कंपनी चलाने में मुश्किल आती है. ये सारे आर्ग्यूमेंट हैं आपके विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या फेवर में क्या बोला गया है, फेवर में ये बोला गया कि ये जो लॉ है ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और इससे जो विसल ब्लोअर हैं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे सोसाइटी की तरफ. अब मैंने जैसे मॉरल ग्राउंड्स की बात करी, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम किसी मॉरल कंडक्ट से जुड़े हुए हैं, अगर कहीं पे कुछ इमोरल हो रहा है तो उसको सही करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये हमारी ड्यूटी है. तो ये एक्ट हमें ये पावर देता है कि हम उस ड्यूटी को फुलफिल करें. दूसरी चीज़ ये है कि जो सेकेंड इसमें आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो ये बोला गया है कि डिफेंस ऑफ लॉ सपोर्ट्स द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन हिज फ्रीडम टू स्पीच. ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी यहाँ पर सपोर्ट करता है. मतलब अगर आप, आपके अंदर
आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप विसल ब्लोअर हैं तो आपके पास ये राइट बनती है कि आप बोलें, आप किसी कोई चीज़ से दबे नहीं, किसी मिसकंडक्ट से, किसी मिसडीड से आप वहाँ पे डरे नहीं, आप वहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप बोल सकें, ठीक है, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकें। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट है विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट के साथ में, ये फेवर में है। फॉर, ठीक है, अगेंस्ट, वो पहले वाला अगेंस्ट था, ये फॉर में है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स एंड डेंजर ऑफ कंपनी विसल ब्लोइंग पॉलिसी। हर कंपनी में विसल ब्लोइंग पॉलिसी होती है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डेंजर्स हैं, कंपनी के लिए क्या सही है ये, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं इनके। पहली बात तो बेनिफिट की बात करें कि इससे क्या होता है, कंपनी को अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है कि उसकी क्या मिस्टेक्स चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे कंपनी का बेटरमेंट हो पाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि भाई आपके इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ सही तरीके से नहीं हो रहा है, आप इसको सही करिए, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तो कंपनी क्या करेगी, इनपुट लेगी, हाँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने विसल ब्लो किया है, अब मैं क्या कहते हैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। या कोई पर्सन है, भाई ये जो है ये आपके कंपनी में टेंडर लेने के लिए कमीशन खाता है 10%, ये किसी ने बता दिया और उसको प्रूफ दे दिया, तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई ये जो पर्सन है ये टेंडर में पैसे खा रहा है, अब इसको हम फायर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, कंपनी की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। अब क्या है, इससे और क्या हो सकता है, ये एम्प्लॉयज़ को रॉन्ग टेंशन भी क्रिएट कर सकता है, रॉन्ग सिग्नल्स भी दे सकता है, डेंजर की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है वो कंप्लेन जो हो वो सही हो या गलत हो सकता है कि ना ऐसा होता हो, पर ऐसे केस में क्या होगा, स्ट्राइक हो सकती है, टेंशन क्रिएट हो सकता है। अब मान लीजिए आपने उसको फायर कर दिया, और वो जो पर्सन है वो बहुत बड़ा लेबर यूनियन का कोई अध्यक्ष अध्यक्ष है, उसने जाके लेबर्स को उकसा दिया और सारे लेबर्स बैठ गए स्ट्राइक पे, तो उससे क्या होगा, ये एक और ज़्यादा बड़ा डेंजर हो गया, आपका प्रोडक्शन ठप हो गया। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, शोज कंपनीज कमिटमेंट टूवर्ड्स गुड एथिकल एंड इथिक्स कॉर्पोरेट एनवायरमेंट। हम हमेशा एथिकल कॉर्पोरेट की बात करते हैं, हम एथिकल बिजनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी होती है विसल ब्लोइंग की, तो ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी ज़्यादा एथिकल है, कितनी ज़्यादा एथिक्स को फॉलो करती है। और इससे क्या होता है, कंपनी कई बार ये लोग विसल ब्लोइंग के चक्कर में, कोई एम्प्लॉय क्या करता है, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल की जगह दूसरा ही कम्युनिकेशन चैनल फॉलो कर लेता है, मतलब न्यूज़ व्यूज़ में चला जाता है। पता चला कि कोई पर्सन है, जैसे एक लेते हैं केस लेते हैं कि एक कोई हैरेसमेंट का केस है, ठीक है, किसी ने बोला कि भाई हैरेसमेंट हुआ है आम उसमें, अब इस हैरेसमेंट का जो केस बन रहा है इसके लिए मैं मीडिया में जा रही हूँ। जब वो वहाँ पे क्या हुआ, हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉपर कुछ ऐसा केस ना भी बन रहा हो, सकता है कंपनी से रिलेटेड केस ना हो, बाहर लोगों मतलब उनका फ्रेंड ग्रुप बना किसी बंदे का, बंदी का, और उसके बाद वहाँ पे उसमें हैरेसमेंट हुई। हैरेसमेंट क्या कहेंगे, छीटाकसी हो गई या कुछ ऐसा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो पर्सन चला गया न्यूज़ में, ठीक है, वो लड़की लड़का चला गया न्यूज़ में, न्यूज़ एजेंसी के पास, और उसने ले लिया कंपनी का नाम। तो इससे क्या हुआ, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो गई कि इनके यहाँ जो लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उनका आपस में वहाँ पर इस तरीके से हैरेसमेंट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है इससे। तो ये इसके डेंजर्स हैं विसल ब्लोइंग पॉलिसीज के। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी, क्या कंपोनेंट होंगे। सबसे पहले तो एफेक्टिवली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्लियर डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए विसल ब्लोइंग पॉलिसी का। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन विसल ब्लोइंग पॉलिसी है तो प्रोसीजर क्या है इसके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। वेल ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए यहाँ पे, जो कि रिसीव करें रिपोर्ट्स को, इन्वेस्टिगेट करें, और कमिटमेंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट एक्शन का। मतलब आपको दो तीन ऐसे लोग रखने चाहिए आपके जो रिक्रूटमेंट के डिपार्टमेंट के हैं, या जो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हैं, उनको कि उनको विसल ब्लोइंग को समझना आना चाहिए कि अगर कोई आ रहा है उनके पास विसल ब्लो करने, तो वो प्रॉपर उसको फॉलो करें, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एडवर्ड स्नोडन की। ये कौन है, एडवर्ड स्नोडन एक कंप्यूटर एनालिस्ट थे, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। इन्होंने 2014 में ये बोल दिया कि एक्सक्यूज मी कि जो NSA है ये क्या करती है, सारे फोन्स पे, कंप्यूटर्स पे सर्वेलांस करती है, सारे फोन्स पे एंड इंटरनेट कम्युनिकेशंस पे, और US सबकी बातें सुनता है, NSA सबका बातें सुनती है, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं हर एक पर्सन के बारे में, हर एक पर्सन के लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में वो जानता है।
तो ये इन्होंने बोला, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा उस वक्त 2014 में भूचाल आ गया था कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारे राइट्स के खिलाफ है कि आप हमारी सारी सर्वलांस रख रहे हो, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ पीते, कहाँ खाते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें परचेजिंग की है, कौन हमारे वो हैं, ये सारे डेटा आपके पास कैसे हैं, आपने क्योंकि उससे बिना पूछा आपने ये डेटा रख लिए। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब इन्होंने ये सब बोला तो उसके बाद फिर उल्टा पड़ गया इनके ऊपर, उल्टा यूएस गवर्नमेंट ने इनके ऊपर केसेस वगैरह डालने स्टार्ट कर दिए, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ को थ्रेट मिलने लग गया और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, और फिर फाइनली इन्होंने जाके रशिया में असाइलम ले लिया, अभी ये वहीं पे असाइलम रशिया में ही है। तो इस तरीके से भी होता है विसल ब्लोइंग, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एडवर्ड स्नोडन का, कोई इनको पैट्रियट बोलता है, कोई कहता है कि नहीं ये ट्रेटर हैं, कोई कहता है कि जो इसने कहा सच, मतलब जो इसने बोला सही किया, जो इसने सच्चाई बताई सबको कि यूएस क्या करता है, एनएसए क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब विसल ब्लोइंग कितनी हद तक हो, कितने हद तक सही जाती है कि नहीं जाती है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो पर्सन ब्लो कर रहा है विसल उसके ऊपर, और जो सिचुएशन है जिसके वजह से, मतलब जिसके लिए वो विसल ब्लो कर रहा है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस होती है। तो आई होप ये सारा वीडियो आपको समझ में आ गया, सारा कंटेंट आपको समझ में आ गया, कुछ ऐसे जो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।